से ही अपडेट न्यूज। मैं कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते दिन भर की खास खबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में हुआ ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति, कलेक्टर एसपी सहित विधायक व गणमान्य रहे मौजूद। महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु आजीविका मिशन के तहत 6 दुकानों का हुआ आवंटन, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी जानकारी। और दबंगों द्वारा किसानों का रास्ता बंद होने से परेशान किसान पहुंचे जिला मुख्यालय प्रशासन से, कर रहे हैं रास्ते की मांग। अब खबर विस्तार से। रमा एकादशी के अवसर पर श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर भक्तों व श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर कोरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने ध्वजारोहण किया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुति देने पर उनका सम्मान हुआ। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, विधायक शशांक भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित शहर के वरिष्ठ जन पहुंचे। साथ ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे हमारे सम्मानीय अतिथियों से मिलना की पुत्रा। प्रथम वर्ष में यह केवल प्रशिक्षण योजना छात्राओं के लिए आयोजित थी, लेकिन इस वर्ष यह योजना बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए आयोजित है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ स्टूडेंट पुलिस और योजना के अंतर्गत कराटे की प्रस्तुति के लिए भूपेश। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 66वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश के सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने 17 साल में विकास किए उसका संदेश भी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो साख बनाई है उसका संदेश दिया। पूरे मध्य विदिशा जिले को नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना दी। दीपावली पर्व के चलते स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर और आकर्षक रंगोली उकेरी गई। वहीं थाली सजाओ प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? प्रेजी पब्लिक हायर सेकेंडरी। आज किस उपलक्ष्य में किस तरीके की तैयारी चल रही है? दीपावली की तैयारी चल रही है और कंपटीशन चल रहा है
दीपक और रंगोली का। क्या संदेश देते हैं अपन इससे? और बच्चों को उत्साह होता है, कंपटीशन लेते हैं, भाग लेते हैं और सबके टैलेंट दिखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होती। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? प्रगति पब्लिक हाई सेकेंडरी। आज ये क्या किस तरीके की तैयारी चल रही है आपकी? दीपावली की तैयारी चल रही है, रंगोली प्रतियोगिता और दीपक सजाने की। बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु आजीविका मिशन के तहत 6 दुकानों का आवंटन हुआ। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से उक्त संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष तुरण सिंह द्वारा जानकारी दी गई। ममता सक्सेना। ममता जी, ये कौन से स्थान है जहाँ पर ये सामग्री बिक रही है? ये आजीविका केंद्र है, आजीविका रूरल मार्ट है ये। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका विक्रय केंद्र है ये। कितने स्व सहायता समूह हैं? ये विदिशा जिले में सर। कितने? 7,500 के आसपास है सर। 7,500 के आसपास जी। तो यहाँ से ये कौन कौन सी सामग्री निर्माण करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जूट के बैग हैं, सैनिटरी पैड है आपका, वॉशिंग पाउडर है, नहाने का साबुन है और जो झाड़ू वगैरह है सर। आप किस पद पर हैं? मैं CLF सचिव पद पर हूँ सर। तो आपको ये जानकारी नहीं लगभग कितने समूह हैं विदिशा जिले में? नहीं सर, विदिशा ब्लॉक नहीं, मैं खुद विदिशा जिले का बता रहा हूँ। विदिशा कितने? विदिशा ब्लॉक में 7,500। स्व सहायता समूह के अंतर्गत महिलाओं को अपने पैरों पर सक्षम बनाने के लिए किस तरीके की योजना आजीविका मिशन द्वारा की गई है और कितनी दुकानें और कितने लोगों को अपन तैयारी कर रहे हैं? आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह को मजबूत करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारी महिलाएं बहनें बहुत मजबूत हों, सक्षम हों और अपने परिवार और अपने प्रदेश और देश को सक्षम कर सकें, इसलिए हमारी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर उन्होंने स्व सहायता समूह के माध्यम से जो खुद का उत्पादन कर उस जो उत्पादन करें, जो वस्तुएं बनाएं, चाहे वो दिया है, दीपक हैं या अन्य जो वस्तुएं बना रहे हैं, मूर्ति बना रही हैं, उनका बिक्री करने के लिए शासन से 6 दुकानें विदिशा में आजीविका मिशन के माध्यम से बनी और उनको 6 समूह के लिए वितरण की गई हैं दुकानें। उनसे उनकी एक आय भी बढ़ेगी, वो आय के साथ साथ लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा महिलाओं के लिए, आगे धंधे करने के लिए आगे आएंगे और उससे हमारी बहनें बहुत सक्षम होंगी और जब बहनें सक्षम होंगी तो परिवार सक्षम होगा तो निश्चित हमारे प्रदेश और देश की उन्नति होगी। विदिशा खाई मोहल्ला क्षेत्र में बरसों पुरानी माता बढ़िया निर्मित है। यहाँ पर नगर कन्या भंडारी का आयोजन हुआ, वहीं साफ सफाई की मांग क्षेत्रीय लोगों ने की है। मैं यहीं पहले स्कूल के पास रहता हूँ। प्राचीन मंदिर है विजय सिन्हा का, कितने साल पुराना है, कहाँ पर ही है? हम इस मंदिर को तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है और यहाँ पे आज भंडारा का जो कार्यक्रम हुआ है वो सभी लोगों के माध्यम से सहयोग से हुआ है। जी, बड़ा सवाल यहाँ पर था कि इतना बहुत प्राचीन मंदिर है और उसके बावजूद भी इस मंदिर के चारों तरफ गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है और ऐसे में कन्या भोजन हो रहा है, तो क्या सरकार से या नगर पालिका से आपने रिक्वेस्ट नहीं की थी क्या? नहीं, भंडारे का करवाने का कारण हमारा यही था कि कम से कम लोगों को यहाँ की गंदगी दिखे
क्योंकि जिस गंदगी में माता मैंने चल के आई है, यहाँ पे जो घूड़ा पड़ा होता है वो घूड़ा 4 साल में उठता नहीं है। काफ़ी जगह का घूड़ा यहाँ पे इकट्ठा करवाते हैं, वार्ड नंबर 6 का या 8 का जहाँ का भी, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, उस कचरे को उठाते नहीं हैं जब तक ये अपन फोन ना लगाएं। और आज हमारी माता है मैंने कचड़े में से निकल के आई हैं, यहाँ पे मच्छरों की काफ़ी दिक्कत होती, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे मंदिरों की लाइटें भी अगर हम फोन लगाएं तो हमें बहुत हाथ जोड़ के भी यहाँ व्यवस्था लानी पड़ती है हमारी लाइट सुधरवा। यहाँ पर रोड की क्या स्थिति है? रोड यहाँ पे काफ़ी बचपन से देख रहे हैं, कोई रोड आज तक डली नहीं है। यहाँ पे बरसात में मुश्किल पड़ जाता है, पूरा पानी भरा जाता है, हर व्यक्ति परेशान है। भक्त लोग कैसे आते होंगे? भक्त लोग अपनी सुविधा से आ रहे हैं, आज पूरे भक्त आ गए। हमारा आज हमारा मकसद था कि भक्तों को यहाँ दिखाना था कि आज स्थिति क्या है। मेरा नाम उषा राजपूत है। बीजासन मैया के मंदिर पे। मेरा नाम श्रीमती रतन राजपूत। कहाँ रहती हैं? पेड़ी स्कूल खाई में। ये कौन सा मंदिर है? ये बीजासन देवी का मंदिर। क्या महिमा है यहाँ की? बहुत बहुत अच्छी महिमा है और सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। कितने प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? एक यही है, एक देवी का बाग है, एक चिड़ोलवारी माता है, एक दुर्गा नगर में दुर्गा नगर में। 16 खम्मा क्यों बोलते इस मंदिर को? क्योंकि 16 खम्मा है उसमें। बासुका तहसील के 8-10 किसान जिला मुख्यालय आए, जहां प्रशासन को बताया गया कि दबंगों द्वारा रास्ता रोक लिया गया है, जिससे उनकी बोनी नहीं हो पा रही है। किसानों द्वारा रास्ते की मांग प्रशासन से की जा रही है। बिना सोचे समझे फाइल नहीं देखी नहीं और स्टे दे दिया उसमें। कहाँ के रहने वाले? फरीदपुर डायला। ये कौन सी तहसील में आएगा? गंजबासू तहसील। आप काय के लिए आए यहाँ पर? यहाँ पर रास्ता के लिए। अपर कलेक्टर साहब ने, तहसीलदार साहब ने हमें जो आदेश दिया था जमीन बोने आंकने के लिए, दूसरी जो विवाद चल रहा हमारा 131 के तहत यशपाल जी के खिलाफ वगैरह के लिए, तो उन्होंने हमको आदेश दिया था कि 15 दिन के लिए आप कृषि कार्य वगैरह कर सकते हो, बोनी वगैरह। तो अपर कलेक्टर साहब ने उस पर स्टे दे दिया, वो भी 2nd दिन, जो कि 26 तारीख को आदेश पारित हुआ था और 27 तारीख को हम लोगों ने बखरनी वगैरह चालू की थी, 28 तारीख को हमारा रास्ता जेसीबी के द्वारा बंद कर दिया गया। तो अभी जो जिन अधिकारी से मिले थे, क्या नाम है उनका? वो वृंदावन सिंह। क्या बोले वो आपसे? वो उन्होंने बात ही नहीं की हमसे। आप वो बोल कर ले, आप तो जाओ, कानून के तहत बात करना, आप यहाँ बिल्कुल नहीं रोको। पहले जमीन दे दी थी और उसके बाद दूसरे दिन ही उन्होंने बोला। हाँ, दूसरे 27 तारीख को हमारा रास्ता खुला था, 28 तारीख को निष्ठ दे के वो रास्ता बंद करवा दिया। अब क्या बोल रहे हैं? अब वो सुन ही नहीं रहे उन्होंने इस विषय में। जो रास्ता बंद है किसानी का, कितने लोग प्रभावित हैं उससे? इससे हम 8-10 लोग प्रभावित हैं। कितनी जमीन अगर समय पर अगर नहीं हो पाए तो कितनी जमीन नहीं हो पाए? करीबन 100 बीघा के लगभग हमारी सारी जमीन खराब हो जाए। कहाँ के रहने वाले? डाले। कौन सी तहसील में आता जी? बासोरा। क्या हुआ आपके साथ? रास्ता 15 दिन तहसीलदार साहब ने रोक दी थी, तो हमने हाथ जोत लाई। अब बंद हो गई, कैसे बंद हो गई कहा हम नहीं जानते हैं साहब। अभी साहब के पास आए थे, क्या कह रहे हैं साहब? साहब जा के लगे कि हम बंद करा देंगे, भगो जहाँ से। कौन से साहब से मिले थे आप? हम मैंने नाम नहीं जानू कौन से साहब। कितने साल से था वो रास्ता आपका? वो तो दस पड़ी से इंतजार से भाई बंदी से, वहीं से खेती होती सबकी। कितने किसान की जमीन जुड़ी उस रास्ते से? 8-8 आदमी की आएगी। आज की खबरों बस इतना ही, आप देखते रहिए अविधि सही अपडेट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।